हेलो फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड मांशु गर्ग आज फिर एक न्यू वीडियो लेके आया है। इस वीडियो में हम अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर रिवेन्यू स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं भाई रिवेन्यू होता क्या है, रिवेन्यू के टाइप्स क्या हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट इज रिवेन्यू। ओके, तो रिवेन्यू देखते हैं, रिवेन्यू क्या है। तो रिवेन्यू की सबसे पहले डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या होगी देखो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, बहुत ही मजेदार है। Revenue refers to the amount received by a firm from the sale of a given quantity of a commodity in the market. ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या मेन वर्ड आया, अमाउंट रिसीव। भाई रिवेन्यू क्या होता है, हमें क्या मिला, हमारी क्या अर्निंग हुई। भाई किसी कोई भी बंदा अगर कोई काम कर रहा है या कुछ भी, उसकी कोई भी काम कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, सिंपल सा तुम्हारी क्या अर्निंग है इसमें, क्या कितनी अर्निंग हुई। ठीक है, तो देखो रिवेन्यू वो अमाउंट है, रिवेन्यू रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव बाय अ फर्म, जो किसी फर्म ने रिसीव करी फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, अपनी क्वांटिटी कमोडिटी को बेचकर सेल करके इन द मार्केट, मार्केट में उसे जो पैसा मिला। दोस्तों ऐसा समझते हैं, एक फर्म है, उनने अपना प्रोडक्ट बनाया, अब जब उसे वो बेच रहा है तो उससे जो उसे अमाउंट मिली, डेट इज रिवेन्यू, डेट इज रिवेन्यू। ठीक है, तो रिवेन्यू डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है कि जो हमें मिला मार्केट में बेच के, बस। अब रिवेन्यू तीन टाइप के आते हैं, हमारे रिवेन्यू तीन टाइप के। नंबर फर्स्ट इज टोटल रिवेन्यू, जिसको हम बोल देते हैं टीआर। क्या बोल देते हैं, टीआर, टोटल रिवेन्यू मतलब हो गया टीआर। सेकंड इज एवरेज रिवेन्यू, इसको हम बोल देते हैं एआर। एवरेज रिवेन्यू, इसको हम बोल देते हैं एआर। एंड थर्ड इज मार्जिनल रिवेन्यू, इसको हम बोलते हैं एमआर। ओके, तो रिवेन्यू के तीन पार्ट्स हो गए, टीआर, एआर और एमआर, ऐसे समझो, टीआर, एआर और एमआर। तो हम इनको तीनों को एक एक करके समझेंगे कि भाई टीआर क्या होता है, एआर क्या होता है, एमआर क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम समझते हैं टोटल रिवेन्यू कि भाई टोटल रिवेन्यू क्या है। तो देखो फ्रेंड्स, टोटल रिवेन्यू को पहले तो हम बोलते हैं टीआर। क्या बोलते हैं, टीआर। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो देखो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, It refers to total receipt from the sale of a given quantity of a commodity. Total receipt मतलब total कितने पैसे मिले, total कितनी अर्निंग हुई किसी भी commodity को sell करने से, total कितनी अर्निंग हुई, that is total revenue. बस, it refers to total receipt from the sale of a given quantity of a commodity. ठीक है, अब इसका फॉर्मूला है वो क्या है, टी आर इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस, कि भाई कितनी क्वांटिटी बेची और कितने प्राइस पर। ठीक है, ए आर क्या है, एवरेज रिवेन्यू, ये भी आगे समझ में आएगा आपको, ए आर इंटू क्यू। और टी आर का फॉर्मूला भी टोटल, तो सिग्मा एम आर, सिग्मा एम आर। ठीक है, अब इसके अंदर टी क्या है, प्राइस, और क्यू क्या है, क्वांटिटी। ए आर हमको पता है, एम आर हमको पता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम समझते हैं एवरेज रिवेन्यू कि भाई एवरेज रिवेन्यू क्या है। तो देखो जैसे कि इसके वर्ड से पता चल रहा है, एवरेज निकालना है इसमें कि भाई रिवेन्यू जो हुआ उसका एवरेज, एवरेज मतलब क्या था, पर यूनिट, मैंने पहले ही बता रखा है एवरेज मतलब पर यूनिट। तो देखो डेफिनेशन कितनी सिंपल सी है, इट रेफर्स टू रिवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। इट रेफर्स टू रिवेन्यू, एवरेज मतलब पर यूनिट किसका, आउटपुट सोल्ड होने का। It refers to revenue per unit of output sold. ठीक है, definition याद हो गई। अब formula क्या बनेगा? Total revenue upon quantity में जितने number of quantity है, जितनी number of quantity है, formula हमको पता है, ऐसे बनता है इसका AR का, AR is equal to TR upon Q. ठीक है, अब देखो इसको example से समझते हैं। If TR from the sale of 10 chair at the rate rupees 100 per chair is 1000. अगर भाई 10 chair मैं सेल करता हूँ और एक चेयर की कॉस्ट है 100 रुपए, तो उसका टोटल रिवेन्यू आया 1000 रुपए, तो हमें निकालना है एआर, देन एआर फाइंड करना है। तो एआर का पता है, टीआर अपॉन क्यू इसका फॉर्म होता है। तो टोटल रिवेन्यू कितना हुआ, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है 1000, कितना दिया है 1000। ठीक है, तो 1000 क्वांटिटी कितनी है, 10, क्वांटिटी 10, तो ये कितना हो गया 1000 अपॉन 10 इज इक्वल टू 100। ये क्या है, ए आर, एवरेज रिवेन्यू। अब देखो इसी एग्जांपल में हम निकालते हैं, मान लो टी आर,
अगर हमें ये नहीं दिया होता, अगर हमें ये नहीं दिया होता तो क्या होता? देखो टी आर का फॉर्मूला होते हैं दो, पी इंटू क्यू और ए आर इंटू क्यू, कितने फॉर्मूले होते हैं? एक और एक, दो फॉर्मूले, ठीक है। तो टी आर का फॉर्मूला क्या हो गया? पी इंटू क्यू, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो प्राइस कितना बोला उन्होंने? रुपीज 100 पर चेयर, रुपीज 100। कितनी क्वांटिटी है? 10 चेयर की, तो इंटू 10 ये आ गया 1000 टी आर। वही आया तो सेम टी आर जो क्वेश्चन में गिवन था पहले। अब देखो दूसरा फॉर्मूला ए आर इंटू क्यू, ए आर इंटू क्यू। एवरेज अभी अभी हमने निकाला था एवरेज, तो एवरेज यहाँ रखा क्वांटिटी 10 है ही, आ गया 1000, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू कंसेप्ट आपका ये था। अब हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम समझते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। तो भाई इसका जैसे नाम है मार्जिनल, तो मार्जिनल का हमको पता है एडिशन की बात करते हैं इसके अंदर, और क्या निकालते हैं इसके अंदर हम एक तरह का डिफरेंस, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू। तो देखो इसकी डेफिनेशन कितनी सिंपल है, एम आर इज द एडिशन टू टी आर, एम आर इज द एडिशन टू टी आर व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज सोल्ड। जब एक यूनिट और बेचते हैं तो उससे जो रिवेन्यू आया डेट इज एम आर, डेट इज एम आर, और इसको क्या करते हैं हम ऐड कर देते हैं टोटल रिवेन्यू में, ठीक है। एम आर इज द एडिशन टू टी आर व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज सोल्ड, हो गई याद। अब फॉर्मूला, तो फ्रेंड्स के दो फॉर्मूले हैं, तो मैंने आपको दोनों समझा दिए हैं, मतलब दोनों समझा रहा हूँ। पहला है एम आर एन इज इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन, मतलब टोटल रिवेन्यू ऑफ एन थीटा माइनस टोटल रिवेन्यू ऑफ एन माइनस वन, उससे पहले वाली क्वांटिटी की, ठीक है, एन मतलब नंबर। अब देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, बहुत ईजी एग्जाम्पल है। टोटल रिवेन्यू ऑफ 10 चेयर, 10 चेयर का टोटल रिवेन्यू कितना हुआ 1000, और 11 चेयर का टोटल रिवेन्यू हुआ 1100, ठीक है। अब मेरे को निकालनी है एम आर 11 चेयर की क्या होगी, तो सिंपल सी बात है भाई, फॉर्मूला यूज करेंगे हम, एम आर 11 इज इक्वल टू टी आर, फॉर्मूला लगाएंगे एम आर एन इज इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन। तो फॉर्मूला क्या बन गया, एम आर 11 इज इक्वल टू टी आर 11 माइनस टी आर 11 माइनस वन। तो अब क्या हो गया, टी आर 11 माइनस 11 माइनस वन टी आर 10, टी आर 11 हमको पता है कहाँ है, ये रही 1100 पुट कर दी वैल्यू, टी आर 10 1000 पुट कर दी वैल्यू, एम आर आ गई, एम आर निकल के आ गई 100, कितना सिंपल था यार, ठीक है। अब देखो दूसरा फॉर्मूला क्या है, एम आर इज इक्वल टू चेंज इन टी आर अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, मतलब टोटल रिवेन्यू में कितना चेंज हुआ और क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ। हाँ फ्रेंड्स एक बात और बता देता हूँ, देखो अगर क्वांटिटी अगर कंटिन्यूस है, क्वांटिटी अगर कंटिन्यूस तो हम ज्यादा फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर कंटिन्यूस नहीं है गैप है बीच में तो हम ज्यादा फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने इसलिए आपको दोनों फॉर्मूले बता दिए हैं आपको, क्योंकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, बोर्ड है फ्रेंड्स, बिल्कुल सीरियस हो जाओ, पढ़ाई में लग जाओ, ठीक है। हम रिस्क नहीं ले सकते, हमारा एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो दूसरा फॉर्मूले की बात करते हैं, तो दूसरे फॉर्मूले में मैंने लिया एग्जांपल टी आर ऑफ 10 चेयर 1000 और 14 चेयर की टोटल वैल्यू आ गई 1400, ठीक है, ये हो गई। अब इसमें भी क्या निकालना है, एम आर, टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, एम आर, तो निकालना क्या है एम आर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है एम आर का, डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू। अब डेल्टा टी आर मतलब चेंज टी आर में, तो टी आर 14 माइनस टी आर 10 अपॉन क्वांटिटी 14 माइनस 10। अब टी आर 14 की दे दी 1400 और 10 की दे दी 1000, 14 माइनस 10 4, 1400 माइनस 1000 इज इक्वल टू 400 अपॉन 4, 4 से ये कटा तो 100 आ गई हमारी एम आर, 100 आ गई हमारी एम आर, ठीक है फ्रेंड्स। तो एम आर का मैंने आपको एग्जांपल बता दिए, चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मार्जिन रिवेन्यू कंसेप्ट हो गया, तीनों रिवेन्यू पढ़ा दिए मैंने आपको तीनों टाइप के, ठीक है। अभी एक हमें छोटा सा टॉपिक और बचा है, फिर मैं अपनी इस वीडियो को खत्म करूंगा, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हमारा टॉपिक आता है ए आर एंड प्राइस आर द सेम, कि भाई जो ए आर है एवरेज रिवेन्यू है और प्राइस, ये दोनों चीज क्या सेम है, है भाई। तो देखो देखते हैं, हमको पता है टी आर का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू पी, क्यू इंटू पी टी आर का फॉर्मूला होता है, इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड ए आर का फॉर्मूला होता है टी आर अपॉन क्यू, इसको हमने मान लिया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब
from first and second, from first and second, AR is equal to TR upon Q. So TR की जगह पर मैंने रख दिया value Q into P upon Q as it is. Q से Q cancel हो गया, बचा क्या? AR is equal to P. तो ये बात हमने प्रूव कर दी कि भाई AR और प्राइस जो है वो दोनों सेम चीज है. तो फ्रेंड्स कहीं भी न्यूमेरिकल में अगर प्राइस दिया हो और पूछा हो एवरेज रेवेन्यू क्या है, तो बिना कुछ करे, बिना कुछ सॉल्व करे डायरेक्ट लिख देना कि प्राइस ही एवरेज रेवेन्यू है, पूरे नंबर मिलेंगे. ठीक है, कहीं भी शेड्यूल में अगर आपको प्राइस पता है एवरेज रेवेन्यू नहीं पता है, तो वो ही एवरेज रेवेन्यू होगा जो प्राइस है. ठीक है, तो ये दोनों चीज सेम है, ये दोनों चीज सेम है. ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं अपनी इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ. यार आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो प्लीज लाइक तो बनता है वीडियो पे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे कि मेरी कोई भी नई वीडियो आती है तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी. तो फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स थैंक यू.